वेलकम जेनिक एजुकेशन। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का पहला पोर्शन रैंडम वेरिएबल और आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी को हमने फिनिश कर दिया है, और हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना क्या लेंगे, तो हम लोगों ने एनालिसिस किया अपनी टीम के साथ और चीज़ों को समझने के बाद हमने ये देखा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वेक्टर कैलकुलस। तो हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे। वेक्टर कहने को लोगों को बड़ा आसान लगता है कि उसमें थ्योरम्स हैं और उनके हम लोग प्रैक्टिकली लेवल पे अगर सीखेंगे तो हम लोग EMT समझ पाएंगे, हम लोग मशीन समझ पाएंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग वेक्टर कैलकुलस अभी शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। वो आपको जेनिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप चाहें तो देख सकते हैं, हम लोग उस पर सब बताने वाले हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात रही आपका इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आप लोग अभी हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग बहुत कामली बहुत पेशेंसफुली वीडियो को आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग आराम से पढ़िए उसको, जो भी डाउट आए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं। क्योंकि गेट का एग्ज़ाम अब आने वाला है 50 और 60 डेज़ के बाद, इसलिए ध्यान से बहुत अच्छे ढंग से आप लोग गेट तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल प्रीवियस ईयर सारे कर लीजिए मैथमेटिक्स के, क्योंकि मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 15 मार्क्स का वेटेज है। राइट, क्लियर। और अभी आपका हम आपके लिए एक चीज़ और है, हम आपके लिए अभी एप्टीट्यूड भी प्लान कर रहे हैं, तो वो भी आएगा। ये एक सीक्रेट है, अभी कौन लेने वाला है क्या करने वाला है नहीं है पता हमें अभी, तो ये आप लोगों को पता चलेगा अभी कि कब आएगा कब नहीं आएगा। वो आपके चैनल पे बेसिकली अपग्रेड हो जाएगा उन चीज़ों के बारे में अपडेट। और जो वैक्टर कैलकुलस है वो हम शुरू करेंगे अराउंड जैसे ही हमें प्रॉबेबिलिटी में, और हम चाहते हैं कि हमसे व्यूअर्स जुड़ें और देखें। इसके बाद हम वेक्टर कैलकुलस को फुल कोर्स तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फुल तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बट मैं जितना बेटर ढंग से कम समय में एक्सप्लेन कर सकता हूँ सारे थ्योरम्स को, जस्ट लाइक स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस ये नहीं है कि आपने क्या किया कर्ल का डिटर्मिनेंट बना दिया और वो कर्ल हो गया। उससे फिर आपको दिक्कत होगी मशीन समझने में, उससे दिक्कत होगी आपको आपको कोई भी चीज़ आप अगर इलेक्ट्रिकल की पढ़ रहे हो तो उसको समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। जैसे आप EMT भी पढ़ रहे हो तो उसको भी समझने में दिक्कत आ सकती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब हम मिलेंगे, क्लियर, वेक्टर कैलकुलस के साथ। और आप लोगों के लिए अभी मंडे या ट्यूसडे से ट्रिक सीरीज हमारी लॉन्च होने वाली है, जिसमें हमने शॉर्टकट या कैलकुलस के जो शॉर्टकट हो सकते हैं, इंटीग्रेशन के शॉर्टकट, डेरिवेटिव्स या वेक्टर कैलकुलस या कोई भी चीज़, एनीथिंग एल्स, उसकी हमने शॉर्टकट सीरीज अभी हम लॉन्च करेंगे। तो हो सकता है शायद ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या मंडे को, जब भी हमारी टीम के साथ पूरा हम लोगों ने बेसिकली एनालिसिस कर लिया है, तो हम लोग अभी 3 या 4 दिन के अंदर आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। तो आप उन ट्रिकों को भी सीखते जाइए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 12th में बड़ा दिक्कत होती है, तो उन चीज़ों के लिए भी हमने पूरा ध्यान रखा गया है। और आगे कभी जेनिक पे अगर हम 2020 के लिए अगर हम प्लान करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैथमेटिक्स होता क्या है। अभी तो आपने मैथमेटिक्स की सिर्फ एक जो है ना एक फ्लैश देखा हुआ है। बेसिकली अगर मैथ्स क्या है वो समझना है तो 2020 के लिए जेनिक एजुकेशन आपके लिए कोर्स प्लान कर रहा है फुल डिटेल में। तो उसके लिए हम लोग प्लान सारा चीज़ें कर चुके हैं, तो वो चीज़ें हम लोग शुरू करेंगे फरवरी या मार्च के बाद। और आप लोग पढ़ते रहिए बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि गेट के लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है। जितना भी प्रीवियस ईयर है, जितना भी थ्योरी है, जितने भी क्रक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको नोट डाउन करिए। एक आप अपनी दिनचर्या बनाइए या अपना डेली रूटीन बनाइए, आप प्रॉपर सुबह से ये लिखिए कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, या किसका वेटेज ज़्यादा है उसको समय ज़्यादा देना है, या किन चीज़ों पे और ध्यान दे सकते हैं जिससे कि हमारी गेट की रैंक अच्छी आ सकती है। जैसे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अपना पर्सनल सजेशन, आप लोग एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को अगर थोड़ा भी सीरियसली पढ़ते हैं लिटिल बिट, तो आपको 30 मार्क्स में 25 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने जितना भी प्रॉबेबिलिटी अगर पढ़ा होगा तो आई एम गारंटेड कि 80% प्रॉब्लम्स आपकी प्रीवियस ईयर की सॉल्व हो जाएंगी। अब 20% के लिए आपको खुद भी बच्चे मेहनत करना है, आप लोग मेहनत करते रहिए, और जो भी आपको डाउट आए वो कमेंट में लिख के हमको शेयर कर सकते हैं, क्लियर, और हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जल्दी से जल्दी
कोशिश करेंगे। क्लियर है इतना बात। इसके अलावा आप लोगों के लिए और हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स भी हमें बहुत अच्छा मिला है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें एंड चैनल को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।